ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वैब टीवी अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। देखो मैं इत्थे पता लैण आया ते बलविंदर गिल जिहड़ा जनरल सैकटरी एससी मोर्चे बीजेपी दा पिछले दिन इत्थे हमला आया और बहुत मंदभागी गल है और इत्थे सरकार दा बहुत वड्डा फेलियर है, सरकार दी वीकनेस है, क्योंकि सरकार सख्ती दे नाल इन्हां चीज़ां नूं पेश आवे ते इह हालात नहीं पैदा हुंदे। तो सरकार के फेलियर करके हर कोई बंदा कानून को अपने हाथ से लैन की कोशिश कर रहा है और हो भी रहा है और बहुत जी माड़ी हालत है कानून की वो बहुत ज्यादा है पंजाब के अपन सबनों पता है। वो तो सिर्फ लोग है जो अमन कानून के नाल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सरकार वालों प्रोटैक्शन की जी गल है वो नहीं है। लेकिन लगता जलंधर की इलैक्शन तार पिटो कर उसके कोई ना कोई जरा खर्चा जिताने की कोशिश की जा रही है। देखो जे माड़े अंसर होंगे उन्होंने अपना काम करना होंगे, सरकार का काम होंगे कि सरकार सख्ती ना रहे, उन्होंने इलैक्शन ना जोड़ के वेख लो, उन्होंने किसी खिते ना जोड़ के वेख लो, किसी भी चीज़ ना जोड़ के आप वेख सकते हैं। सो ये जी चीज़ है ये माड़ी हुई है मतलब। लेकिन जलंधर के किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है क्योंकि तुम जलंधर जा रहे हो, किस तरह जलंधर कांग्रेस पार्टी वड्डी लीड दे नाल जितूगी और ये सरकार का फेलियर जिहड़ा है दूजी इलैक्शन सरकार इतों हरूगी, एक पहले संगरूर हरी है हुण जलंधर हरे की लगता है कि जरा कट्ठे हुए हो का सारे जने राजा बड़िंग जी नज़र आ रहे, नवजोत सिंह सिद्धू नज़र आ रहे, सारे कट्ठे नज़र आ रहे कि लगता वह भी इंपैक्ट पेगा जी कुछ लगे। कुदरती गल है जी, आप सारे कट्ठे नज़र आने कट्ठी एक फ्लैग थले पार्टी लड़ती है तो लोगों विश्वास भी बनता, जो वोटर तुम वोट पाँगा वो विश्वास भी बनता है। सो पार्टी अंदरूनी कई ज कई सारिया पार्टियाँ है, तुम एक दसो आम आदमी पार्टी से कड़ा सब कुछ अच्छा है, कोई सब अच्छा नहीं है, बड़ी वीड्डी लॉबी जी भगवंत मान दी अगेंस्ट काम करती है ये चलता ही। और इस तरह तुम अकाली दल ला लो, अकाली दल छड़ छड़ लोग जा रहे सब अच्छा नहीं गा, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो डिक्टेटरशिप करती है वो अंदर दम घुट रहा लोगों का, वक्री गल है कोई ईडी तो दूजिया एजेंसियों तो डरते बोलते नहीं गे। सो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यकीन करे और साढ़े कैंडीडेट का भी बहुत वड्डा वाधा, जिते साड़ी सारे की मेहनत है उत्थे कैंडीडेट जिहड़े ने करमजीत कौर जी उन्हां दी एक साफ शख्सियत, एक उन्होंने जिहड़े स्वर्गीय संतोख सिंह चौधरी जिहड़े उन्होंने पति सन उन्हां दा लोगों के बहुत वड्डा एक अच्छा मैसेज है, अच्छे साधु सुभाअ वाले बंदे सी। सो उहदा एक बहुत वड्डा फर्क है जिहड़ा हुण जे तुसीं जिहड़ा मेन जिहड़ा आम आदमी पार्टी क्योंकि पावर च होण करके सरकार च होण करके हर कोई बंदा उहदी सोचदा है कि इहदे पक्ष की गल होगी। सो जिहड़ा उहदा कैंडीडेट है ते इह कैंडीडेट है जिहड़ा साडा कांग्रेस पार्टी का जमीन आसमान का फर्क है और एक बहुत वड्डे बहुत चिर बाद नहीं मेरा ख्याल फस्ट टाइम है कि जलंधर तो कोई लेडी लोग सभा वास्ते चुन के जाएगी और ये वास्ते कुछ साड़िया भैणों का मावों का आपसी मन चाह भी है कि उन्होंने असी इलैक्शन चुन के भेजिए, क्योंकि असी हमेशा ही आने कि औरत को मूहरे करना चाहिए, जब 50% रिजर्वेशन की गल करते हैं तो जो पार्टी को टिकट देती भी है तो उदो फिर पहलकदमी भी ये वोटर करनी चाहिए। आलोचना करके ही चैनल बंद किए जा रहे हैं लगातार, बिल्कुल आलोचना कारण इन्हें अजीत का बहुत व्डा वैश्कार कर दिता है कि असी इन्हों गल ही नहीं करनी, इन्हू कोई इश्तहार नहीं देना और अंगेस्ट वो काम कर ट्रोल पार्टी वो अंगेस्ट लाती है आलोचना के कारण ही, जे अं किसी मीडिया जो मीडिया हाउस कोई आलोचना दबर चला है तो अगले दिन इन्हों का मतलब इन्हों के सी एम हाउस तो उन्होंने फोन चले जाते हैं। सेम जिदा सेंटर के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पंजाब भगवंत मान जी केजरीवाल जी कर रहे हैं और वो पूरी पकड़ जिदा मोदी जी उत्थे बना रहे हैं ये पंजाब बनाउणी चाहते ने, मैं ये कह रहा बनाउणी चाहते ने क्योंकि वो बन नहीं रही, क्योंकि पंजाब के लोग बड़े जागरूक ने, पंजाब के लोगों को हर गल का पता है, उन्होंने दसन पुछन की लोड़ नहीं। दिल्ली चीज़ा चल सकदियां सी, पंजाब चीज़ा नहीं चलनियाँ, ता ही पहली इलैक्शन भी हरे हूँ भी हरने।